नसीब अपने आप में क्यों एक नंबर पे आता है? क्योंकि नसीब वो नजर रखता है जो बाकी लोग नजर नहीं रखता। इस नसीब में अदने के इंसान को भी अदना नहीं समझा जाता। हो सकता है इस नसीब का हिस्सा बने हैं बहुत ऐसे साथी होंगे जिनके घर में खाने के सही से खाने नहीं होंगे, हो सकता है पहने के अच्छे कपड़े नहीं होते होंगे, लेकिन इस नसीब का वो हिस्सा बन जाता है, उसे भी पीठ ठोक ठोक के लोगों को बना दिया जाता है। इस इंडस्ट्री में आप स्वार्थी नहीं बने, निस्वार्थ बने आप। जिस दिन आप निस्वार्थ बन जाएंगे, हिंदुस्तान का सक्सेस लीडर बन जाएंगे आप, उस दिन सक्सेस लीडर बन जाएंगे। जब भी सोचने की बारी आए ना, दूसरे के बारे में सोचो। जब भी कुछ करने की बारी आए ना, दूसरे के बारे में करो। ये जिस दिन आपके भावना हो जाएगी ना, उसी दिन आप महान बनने लग जाएंगे। क्या बनने लग जाएंगे? महान बनने लग जाएंगे। मैं परिचय दे रहा था आपको, मैं यहाँ से जो बोलूंगा सच बोलूंगा, सच की झूठ नहीं बोलूंगा। विश्वास करेंगे तो आप जिंदगी बदलेगी, नहीं करेंगे तो मैं कुछ बिगाड़ नहीं सकते। मैं बात कर रहा था कि मैं जिस परिवार का हिस्सा था उस परिवार में बहुत सारे अभाव रहे हैं। कहते हैं ना कि जिस मरता क्या नहीं करता, यशोना जी करने से पहले मैं जब सिर्फ रात में पढ़ता था, किसी का काम करता था, मेरी कीमत महीने की 50 पे लगाया गया था, दूध नापने का काम करते थे फ्रेंड्स, मैट्रिक पास किया, सारा किया, लाखों की लॉटरी का कारोबार किया, मेले में ठेले में हाट में छोटे छोटे धंधे किया, मेरी उम्र जितना नहीं उससे ज्यादा मैंने काम कर लिया, उन कामों से पैसा नहीं कमाया। क्या नहीं कमाया? हम लोग जब किसी काम को करते हैं ना तो हम पैसे से तुलना करते हैं। किससे करते हैं? पैसे से। जबकि जीवन के अंदर किसी काम को कभी पैसे से तुलना नहीं करना चाहिए। उस काम से आपने सीखा कितना, उस काम से आपने सीखा कितना, ये सबसे बड़ा मैटर है। क्योंकि पैसा तो जाएगा लेकिन नॉलेज हमेशा जाएगा। पैसे तो आएगा और जाएगा लेकिन नॉलेज हमेशा जाएगा। क्योंकि अनुमान गलत हो सकता है और अनुभव कभी गलत नहीं होता। अनुमान आपका थिंकिंग है, अनुभव आपका जीवन का संघर्ष है। यस सोनू जी, यस आई प्राउड ऑफ यू।